Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dami participated in the Swachhta Abhiyan cleanliness campaign organized at the Bannu school ground. Rees Dehradun on the occasion of the state's foundation day. The event was part of the ongoing efforts to promote cleanliness and environmental awareness across the state. CM Dami took part in the program by actively engaging in cleanliness drives, setting an example for citizens to contribute to maintaining a clean and green environment. The initiative aligns with the government's commitment to ensuring a cleaner, healthier Uttarakhand, reflecting the state's growing focus on environmental sustainability and the public health. राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, चूंकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मरचूला के पास, जिसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह इस श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके पारिवारिक जनों को जो आघात पहुंचा है, कष्ट हुआ है, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। साथ ही हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़े और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। देखिए 25 साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में थे। चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले